स्क्रीन के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके स्क्रीन रेजोल्यूशन पर क्लिक करना है। और आप ये देख सकते हैं कि 800 से 600 मेरा रेजुलेशन है, जो कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। मैं इस पेज को क्लोज कर दे रहा हूँ। और यहाँ से देख सकते हैं मेरा नेटवर्क ड्राइवर भी नहीं है, तो मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करूँगा यहाँ से। और यहाँ से चलते हैं कैटेगरी पर और लार्ज आइकन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हमें डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं अदर डिवाइस में मेरे इतने ड्राइवर्स नहीं हैं, जो कि इंटरनेट का है, इथरनेट का है, पीसीआई डिवाइस है, अननोन डिवाइस है, वीडियो कंट्रोलर, ये सभी ड्राइवर्स मेरे में नहीं हैं। तो मैं इसे यहाँ से इस पेज को भी क्लोज कर दूंगा। उसके बाद आप जहाँ पर न्यू डीआरपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखे हैं वहाँ पर चले जाना है और उस फोल्डर को ओपन करना है, जैसा कि मैं इसे ओपन कर रहा हूँ न्यू डीआरपी को, और अपने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करके रन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल क्लिक करके मैंने रन कर दिया। यहाँ पर 3 सेकेंड का वेट करना है। मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कंटिन्यू ट्रायल वर्जन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ड्राइवर पैक डॉट ई एक्स ई पर डबल क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे यह सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट होने लगेगा, जो कुछ टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा टाइम इंतज़ार कर लेना है। और देख सकते हैं आप कि यह एक्सट्रैक्ट होने को आया है। और जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यस या नो का मैसेज आ जाएगा, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और थोड़ा सा वेट करते हैं। और देखिए ये यस या नो का मैसेज आ गया है, तो हमें यस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से लोडिंग प्रोग्राम हो गया है। और देख सकते हैं 25 ड्राइवर मेरे लैपटॉप में नहीं हैं, तो यदि आप इंस्टॉल ऑटोमेटिकली पर क्लिक करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ले लेगा। यदि आप एक्सपर्ट मोड पर क्लिक करेंगे तो अपने मन चाहा ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक्सपर्ट मोड को सिलेक्ट करूँगा और इसी को मैं ओपन करूँगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्राइवर्स आ चुके हैं। मैं स्क्रॉल डाउन से नीचे की साइड आऊँगा तो देख सकते हैं आप कि मेरे लैपटॉप में इतने सारे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इन सभी को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसलिए अनचेक नहीं करूँगा। और मैं स्क्रॉल डाउन से नीचे की साइड आता हूँ और ये देख सकते हैं डायरेक्ट 9.0 है, मैं इसे अनचेक कर दूंगा। और स्क्रॉल डाउन से नीचे की साइड आकर इंस्टॉल ड्राइवर्स पर क्लिक कर देना है, जिससे ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं आप इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो रहा है। सभी ड्राइवर्स यहाँ पर इंस्टॉल स्टेप बाय स्टेप लेते रहेंगे और यहाँ पर आपको कुछ टाइम भी लग सकता है इंस्टॉलेशन में, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से पेज को क्लोज कर देना है, इसे भी क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है और यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके अपने पीसी को, लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रिस्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर रिस्टार्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप आ चुका है। और यहाँ से मैं अपने वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, कनेक्ट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और ओके पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। और आपको यहाँ से होम नेटवर्क या पब्लिक नेटवर्क को चॉइस करना है तो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से पब्लिक नेटवर्क को चॉइस कर लेता हूँ और क्लोज पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नेटवर्क कनेक्ट हो गया है। और मैं आपको कंट्रोल पैनल में ले जाकर सभी ड्राइवर्स को चेक कराता हूँ। तो कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद डिवाइस मैनेजर पर चलना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर ऑप्शन ख़त्म हो गया है, यानी अदर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे में सभी ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। आप सभी ड्राइवर्स चेक कर सकते हैं। जैसे मैं साउंड पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर रियलटेक ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल है। और यहाँ से मैं आपको नेटवर्क ड्राइवर एडाप्टर का भी ड्राइवर दिखा दे रहा हूँ, जो कि नहीं था। और यहाँ आप देख सकते हैं आप नेटवर्क एडाप्टर का भी ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ से आपको मैं डिस्प्ले एडाप्टर्स, यानी जो वीडियो का ग्राफिक है और रेजुलेशन है, वो इसी से होता है, इसी ड्राइवर से होता है, सो ये भी इंस्टॉल हो चुका है।
आप यहाँ से बारी बारी सभी ड्राइवर्स को चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में सभी ड्राइवर इंस्टॉल हैं। सो मैं इस पेज को यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ और इसे भी क्लोज कर दूँगा। और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके स्क्रीन रेजुलेशन में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1024 से 600 मेरा स्क्रीन का रेजुलेशन बढ़ चुका है, क्योंकि पहले 800 से 600 मेरा रेजुलेशन था। तो 1024 से 600 रेजुलेशन मेरा हो चुका है, इसलिए मैं इसे ओके कर दूंगा। और मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा जिससे आप देख सकते हैं मेरे वीडियो का ग्राफिकल रेजुलेशन बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो मैंने एक वीडियो प्ले कर दिया है, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो।